सेल्फ अवेयरनेस पार्ट थ्री। पार्ट वन में मैंने बताया आपको कि आपको कंप्लीट पिक्चर हासिल करने की ज़रूरत है। पार्ट टू में मैंने आपको बताया कि आपको अपने पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने कि कब आप क्यों कैसे बिहेव करते हैं। एक मरतबा वो पैटर्न्स आपके सामने आ गए तो आपको मालूम पड़ेगा आपका बिहेवियर रिपीटेटिव मोड पे लगा हुआ है। पार्ट थ्री में जो मैं बात करने लगा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप अपने लिए जो टाइटल पिक कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ के पिक करें। आप अपने लिए जो टाइटल पिक करते हैं, चाहे वो अपने दिमाग में या दूसरों को बताने के लिए, वो बहुत सोच समझ के पिक करें। टाइटल से क्या मुराद है मेरे लिए? टाइटल से मुराद वो है जब लोग आपसे कहते हैं कि आप कौन हैं। डिफाइन योर सेल्फ, आप क्या करते हैं। डिफाइन योर जॉब, जब हम उनको वन वर्ड आंसर देते हैं या वन वर्ड में या एक डेफिनेशन देते हैं अपने लिए, वो डेफिनेशन बहुत सोच समझ के पिक करें, क्योंकि उस डेफिनेशन को पूरा करने के लिए आपकी कंप्लीट बॉडी, आपकी साइकोलॉजी आपकी हेल्प करेगी। वो डेफिनेशन नेगेटिव है तो कंप्लीट साइकोलॉजी और बॉडी हेल्प करेगी वो नेगेटिव डेफिनेशन या स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए, और अगर वो पॉजिटिव है तो आपकी साइकोलॉजी और आपकी बायोलॉजी हेल्प करेगी उसको फुलफ़िल करने के लिए। मैं इसके एग्जांपल देता हूँ। जब लोग पूछते हैं कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं और मैं कहूँ कि मैं हर्ट फील कर रहा हूँ तो ये अलग है, लेकिन जब मैं कहूँ कि मैं हर्ट हूँ, इन दो जुमलों में फ़र्क है। मैं हर्ट हूँ और मैं हर्ट फील कर रहा हूँ, इन दोनों में अलग अलग बात है। मैं हर्ट फील कर रहा हूँ, इट मीन्स कि इट्स जस्ट एन इमोशन और इट्स जस्ट ए फीलिंग जो कि थोड़ी देर बाद गुजर जाएगी। लेकिन जब मैं कहता हूँ मैं हर्ट हूँ तो नाउ आई एम टेलिंग हिम और हर कि ये मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा है, मैं मेरी आदत है हर्ट रहना। तो इसलिए जो भी आप अपने लिए टाइटल पिक करते हैं, अगर आपके साथ कुछ बुरा चल रहा है तो ये ना सोचें कि आप बुरे हैं, आप ये सोचें कि आपके साथ उस वक्त में, उस मोमेंट में कुछ बुरा चल रहा है और वो वक्त गुजर जाएगा, लेकिन आप उसको अपनी आइडेंटिटी का पार्ट मत बनने दें। अपनी आइडेंटिटी सोच समझ के सेलेक्ट करें, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ उसको सपोर्ट करने में गुजर जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग नोट्स ऑन करियर विद मोहम्मद आमिर इकबाल।